हम लोगों ने अर्जेंट एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव किया और उसमें सीनियर डेजिनेटेड लॉयर हरिहरन जी ने आर्ग्यू किया, हम लोग सब वहाँ पे प्रेजेंट थे। हम लोगों ने कोर्ट को ये बताने का प्रयास किया सीसीटीवीज के माध्यम से, जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की उनकी रिपोर्ट के माध्यम से, कि ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ पर हुआ ही नहीं है। ये तीन दिन तक क्योंकि रिपोर्ट नहीं आना, उसके बाद तीन दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होना, उसके बाद FIR दर्ज होना, और उसके बाद जिस तरीके का माहौल राजनीतिक तौर पर बनाया गया है, ये एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक साजिश थी। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और विभव जी को आज सुबह पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है, और अरेस्ट नहीं होने की वजह से हम लोगों का एंटीसिपेटरी का राइट बनता है। 41A का नोटिस भी नहीं दिया गया है, ना जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उनको भी दिल्ली पुलिस नहीं फॉलो कर रही है। इवन हम लोग जब मिलने के लिए विभव जी से जाना चाहते थे, हम लोगों को वहाँ पर रोका गया। तो दिल्ली पुलिस एक राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, इसलिए ये झूठा केस है। हम लोगों ने कोर्ट में अपनी सबमिशन रखी है और ऑर्डर रिजर्व है। सर, जो सौती माली वाले हैं, डीसी सदस्य हैं, अगर वो साजिश कर रही हैं तो किसके खिलाफ कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? जो आप लोगों का आर्गुमेंट था वो ये था कि साजिश है, पॉलिटिकल केस है, क्यों है और किसके खिलाफ? देखिए, ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे समय में जब देश के चुनाव चल रहे हैं और 25 मई को दिल्ली के अंदर वोटिंग होने वाली है, उससे पहले ये इतना बड़ा बवाल होना, जबकि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, वहाँ CCTV फुटेज के माध्यम से, वहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर्स की रिपोर्ट के माध्यम से ये चीज़ लगभग क्लियर है। पुलिस की भी रिपोर्ट के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, समय माहौल बनाने के लिए ये एक राजनीतिक साजिश है ऐसा लगता है। उनका मोटिव क्या है ये देश के सामने आ जाएगा। क्या सर, मालीवाल भी साजिश का हिस्सा है, आपका मानना ऐसा है? अगर उनका मोहरा, उनको मोहरा बनाया गया है तो स्वाभाविक तौर पर ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। Thank you.